अगर आप भी मैट्रिक या इंटर में फेल हो चुके हैं और आप चाह रहे हैं कि अच्छे मार्क्स से 70-80% के मार्क्स से फर्स्ट डिवीज़न से पास होना, तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। पूरा प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगा और किस तरह आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर इस स्टेप को फॉलो करेंगे और अपना इंटर मैट्रिक को 70-80% के मार्क्स से क्वालिफाई कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं जो बात करने वाला हूँ वो बी बोस की, यानी कि बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन बोर्ड के बारे में। इस बोर्ड से अगर आप मैट्रिक करते हैं या इंटर करते हैं तो इसमें आपको अच्छा खासा मार्क मिल जाएगा। इसी बोर्ड में अच्छा खासा मार्क उठता है। सबसे जिस तरह बिहार बोर्ड होता है, मदरसा बोर्ड होता है, संस्कृत बोर्ड होता है, सेम उसी प्रकार बिहार बोर्ड ऑफ स्कूल बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन बोर्ड होता है ये, जो कि बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली ये एक बोर्ड है। तो चलिए, इसमें सभी धर्म जाति के लोग एडमिशन ले सकते हैं, ये किसी एक पार्टिकल लोगों के लिए नहीं है, कोई भी इसमें एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं ये बोर्ड आखिर है क्या, ये बोर्ड क्यों बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया और ये कैसे काम करता है। उसके बाद हम जानेंगे इसमें किस तरह एडमिशन लिया जाता है, किस तरह पढ़ाई किया जाता है, किस तरह एग्ज़ाम दिया जाता है, कब कब एग्ज़ाम होता है, ये सब हम उसके बाद में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं ये बोर्ड है क्या और क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया। बी बोस क्या है और क्या यह मान्य है? बी बोस बिहार सरकार का एक मान्यता प्राप्त संस्था है। बी बोस यानी बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन पटना, इसको हिंदी में कह सकते हैं बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना। इस संस्था को 2011 में मान्यता मिली। बी बोस 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की सुविधा मुहैया कराती है। मुख्यतः ये गरीब बच्चों के पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ही ओपन स्कूल की स्थापना की गई है। रेगुलर जो होते हैं उसमें गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उसमें उनको रेगुलर जाना भी होता है, पढ़ना भी होता है और साथ साथ उसको अपने घर के लिए कमाई भी करना होता है। इसी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो कि रेगुलर में बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, उसी के लिए शुरू किया गया था बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन बोर्ड। तो गरीब बच्चे को पढ़ाई के लिए मुहैया कराए जाने के लिए, ठीक है। और इसमें आपको खर्च भी जो लगने वाला है वो भी बहुत कम लगने वाला है। जो आधुनिक फीस दे नहीं सकते, जो कि फीस होते आधुनिक वो दे नहीं सकते या रेगुलर कोर्स के लिए समय नहीं दे या उसके पास समय नहीं है, वे सभी छात्र ओपन स्कूल से पढ़ाई कर सकते। ओपन स्कूल से स्टडी मटेरियल भी दिए जाते। अब देखिए, इस बोर्ड में तो नामांकन आपने ले लिया लेकिन आप पढ़ेंगे क्या, तो इसमें आपको जो स्टडी मटेरियल यानी कि जो भी बुक्स वगैरह होते वो आपको दिए जाते, वो आप खुद से घर पे पढ़ के उसकी तैयारी कर सकते, जिसे आप बैठकर घर घर बैठे पढ़ाई कर सकते। और प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम के लिए ही सिर्फ आपको स्टडी सेंटर जाने की ज़रूरत पड़ती है, सभी जगह इसके स्टडी सेंटर ज़िले में। तो एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल के लिए ही आपको सिर्फ जाना होगा और आप पढ़ाई खुद से कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल जो आपको दिया जाएगा। वीवो साल में 2 सत्र में एग्ज़ाम लेती है। वीवो जो वो साल में 2 सत्र में एग्ज़ाम लेती है। पहला सत्र की परीक्षा वो जून में लेता और दूसरा की दिसंबर में लेता। तो यहाँ दिया गया है एक सत्र की परीक्षा जून में होती है और दूसरे सत्र की परीक्षा दिसंबर में होती है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी सत्र में शामिल होकर परीक्षा दे पाएंगे। साल में 2 परीक्षा आयोजित की जाती हैं। किसी परीक्षा में आपको नामांकन लेके और आप परीक्षा दे के पास कर सकते हैं अच्छे क्वालिफिकेशन अच्छे मार्क्स से, क्योंकि इस बोर्ड में मार्क अच्छा उठता है, ठीक है। तो अब देखिए, दूसरी बात आ गई, बी बोस कितना मान है, क्या बी बोस से जो मैट्रिक इंटर करेगा क्या वो मान है। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है, बी बोस सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। यह बोर्ड यूपीएससी होता है, जो कि आईएएस आईपीएस की
आईएएस आईपीएस बनाता है बोर्ड, जो यूपीएससी बोर्ड होता है, और बीपीएससी उसी कैटेगरी के होते हैं जैसे वीडियो वगैरह बनते हैं, और रेलवे, बैंक, नीट, आईआईटी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मान्य होता है। अगर इस बोर्ड से आप मैट्रिक या इंटर करेंगे तो वो सभी जगह पे मान्य होता है। जैसे कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है यूपीएससी, यूपीएससी में भी इसको मान्य दिया गया, बीपीएससी में मान्य दिया गया, रेलवे में भी दिया गया, बैंक में भी दिया गया, नीट में भी, और आईआईटी में, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में के लिए मान्य है। ठीक है, तो देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी के लिए मान्य है, तो इसका मतलब सभी के लिए मान्य। यहाँ पे बताया भी गया है कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मान्य, ये सर्टिफिकेट सभी जगह पर मान्य होगा। ठीक है, सरकार के निर्देश अनुसार इसकी मान्यता हर जगह है, इसकी मान्यता उतनी ही होती है जितनी दूसरे सामान्य या रेगुलर बोर्ड की होती है, इसलिए आप निश्चित होकर वो बी बोर्ड से पढ़ाई कर सकते। इस बोर्ड से उतनी ही वैल्यू रहती है, मान्यता रहती है जितनी किसी दूसरे बोर्ड या किसी रेगुलर बोर्ड से होती है, इसलिए आप निश्चित रूप से बी बोर्ड से पढ़ाई कर सकते हैं। ये तो कन्फ्यूज़न दूर होगी, बी बोर्ड क्या है, किन के लिए शुरू किया और क्या वो मान्य है, ये सारी चीज़ आप समझ गए। उसके बाद बी बोस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन चल रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसी नोटिफिकेशन जो अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ्रॉम फर्स्ट एग्ज़ाम जून 2021 में होगा। अब तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन जून 2021। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है रीड री नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन को रीड कीजिए, और फॉर्म फिलअप के लिए, फॉर्म फिलअप की जो जानकारी, फिलिंग फॉर्म, वो भी दी गई यहाँ पे, तो उसके लिए नोटिफिकेशन भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कुछ इस तरह। यहाँ पे इसे जूम कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे सेव कर लेंगे और सेव करके इसे आप पढ़ सकते हैं कुछ। यहाँ पे देख लीजिए ये नोटिफिकेशन है, जिसमें डेट दिया गया 15 मार्च से 15 अप्रैल के संध्या के 6 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जून 2021 के फर्स्ट एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए। ठीक है, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक संध्या के 5-6 बजे तक आप इस फर्स्ट एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए, जून 2021 के फर्स्ट एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ पेमेंट भी करना होगा, पेमेंट के बारे में जानकारी के लिए आप, पेमेंट कितना लगने वाला वो हम बताएंगे अभी आपको, कौन सी क्लास में अप्लाई करने के लिए, एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए कितना पेमेंट लगेगा, उसके लिए आप इसी वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पे एक मिलेगा ऑनलाइन एडमिशन करके ऑप्शन, जैसे आप ऑनलाइन एडमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू फी स्ट्रक्चर, इस पर क्लिक करेंगे न्यू फी स्ट्रक्चर आपके सामने ओपन हो जाएगी, जो कि अभी आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जूम कर लेंगे इसको, जूम करके हम सेव करके और आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो इसे हम सेव किए और यहाँ से ओपन किए, तो आवेदन शुल्क सभी वर्ग के लिए, सभी जाति के लिए 50 रुपये ही है, चाहे आप मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर रहे हो या इंटर के लिए 50 रुपये ही शुल्क है। उसके बाद आपको पंजीयन कराना होगा, पंजीयन का शुल्क देना होगा, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 1500 रुपये है मैट्रिक के लिए और 1705 रुपये है इंटर के लिए। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो मैट्रिक के लिए आपको 875 लगेंगे, इंटर के लिए 910 रुपये लगेंगे। महिला है तो 1210 लगेंगे मैट्रिक के लिए और 1315 आपको लगेंगे इंटर के लिए। उसके बाद अगर दिव्यांग है तो मैट्रिक के लिए 1215 रुपये और इंटर के लिए 1315। इसी तरह अगर भूतपूर्व सैनिक के कोई है, विद्यार्थी हैं, तो 1215 रुपये मैट्रिक के लिए और इंटर के लिए 1315। ये स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर जो कि आप देख पा रहे, जो कि आप यहाँ से बिग बॉस की बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए अप्लाई करने के लिए, कैसे अप्लाई कर, एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए तो इसी वेबसाइट पे आएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद यहाँ पर प्लीज़ प्रोसेस फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, आप पहले से रजिस्टर है, नहीं तो आप क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, अपना फ़ोन नेम देंगे, ईमेल आईडी देंगे, यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे, जो भी आप रखना चाहें उसी पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे। ये सारी डिटेल देने के बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे।
रजिस्टर करेंगे, आपका रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाएगा, ये फिर से आपको उसी पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे वो ईमेल आईडी देंगे जो ईमेल आईडी आपने डाला था, और वो पासवर्ड देंगे जो ने आपने क्रिएट किया था, वो ईमेल आईडी पासवर्ड देंगे, सबमिट बटन भी क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा। जो हो गया होगा उसका पासवर्ड आईडी जो होगा, मतलब ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह, वो सारी चीज़ आपको मेल पे भी भेज दिया जाता है। तो ईमेल आईडी पासवर्ड देके सबमिट करेंगे, जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे लॉग आउट को बोल रहा है, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इन सभी स्टेप से गुजरना होगा। सबसे पहला स्टेप पर्सनल डिटेल, फिर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट डिटेल, स्टडी सेंटर, अटैच डॉक्यूमेंट, फिर भी उसके बाद फिर जाके आपको पेमेंट करके आपका अप्लीकेशन को कम्प्लीट कर लेना होगा। यहाँ पर फुल नेम देना होगा अंग्रेजी में, जो भी आपका फुल नेम होगा अंग्रेजी में डालेंगे। फुल नेम अंग्रेजी में डाल दिए, फादर्स या हस्बैंड की फुल नेम देंगे, फादर्स की फुल नेम दीजिए अच्छा रहेगा, मदर्स की फुल नेम दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कोर्स भी क्लिक करेंगे, यानी कि मैट्रिक के लिए आवेदन कर रहे हैं या इंटर के लिए। अगर मैट्रिक के लिए कर रहे हैं सेकेंडरी, अगर इंटर के लिए कर रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह। उसके बाद आपका नेशनलिटी ऑटोमेटिक इंडिया कनेक्ट रहेगा, मीडियम ऑफ स्टडी हिंदी ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा, जो कि कैलेंडर पर क्लिक करके यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं कुछ इस तरह करके, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो आप कुछ इस तरह करके डाल सकते हो। उसके बाद कैटेगरी देंगे, जनरल है, एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी भी जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल वो सिलेक्ट करेंगी। उसके बाद पूछ रहा है पिछला, यानी कि पिछला क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो पिछला क्वालिफिकेशन आप दे दीजिए, यहाँ पर मैं 12 क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पिछला ठीक पे देता हूँ 10th, ठीक है। और यहाँ पे मैरिड स्टेट, मैरिड अनमैरिड वो सिलेक्ट करेंगे। डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग है तो यस, या अगर नहीं नो तो नहीं है तो नो करेंगे। एक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट ही इसमें सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर देना होगा, यहाँ पे आधार नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अगर आप इंटर कर रहे हैं, इंटर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको मैट्रिक की डिटेल देनी होगी। अगर आप मैट्रिक के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए आपको उससे पिछला डिटेल जो होगा वो देना होगा, जैसे कि 9th क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपने जो 10th किया है वो किस बोर्ड से किया है, यहाँ पे दिखा देगा कौन सी क्लास का मांग रहा है। जैसे कि मैंने 12 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 10th का मांग रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी सेलेक्ट करूँगा, सेकेंडरी सेलेक्ट करने के बाद वो सब यहाँ पे नहीं मांग रहा है, ठीक है, पिछला डिटेल नहीं मांगता मैट्रिक में। अगर आप इंटर के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो पिछला डिटेल आपसे मांगेगा, यानी कि पिछला जो किए आपने मैट्रिक वो किस बोर्ड से किए हैं, बोर्ड का नाम देंगे, वो कब पास किए वो देंगे, और ये किस साल रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो देंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद 7 कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डिटेल में आ जाएंगे, यहाँ पे अपना एड्रेस दे देंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपना स्टेट, अपनी जो भी आपके एड्रेस होगा वो पूरी एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे, स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, एरिया, पिन कोड। उसके बाद कह रहा है कि ये जो एड्रेस फिलअप की वो आपके आधार कार्ड के अनुसार है तो यस करेंगे। और ये भी एड्रेस आपको जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस, और पुराने एड्रेस अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो इसमें भी यस करेंगे। उसके बाद ये दोनों में यस करेंगे तो ये दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर देना चाहिए दे सकते हैं, जो भी एड्रेस पे कुछ भेजा जाएगा तो उस एड्रेस के साथ साथ आपका मोबाइल नंबर भी आपके लिफाफे पे रहेगा अगर कुछ भेजा जाता है तो। 7 कंटिन्यू करेंगे, मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है, 7 कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट का आ जाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में से यहाँ जो कॉलम दिए गए हैं सब्जेक्ट ग्रुप ए सब्जेक्ट और ग्रुप बी, तो इसमें से कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा दो सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो भी लेना चाहे आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं इस ग्रुप से, ग्रुप ए से हिंदी ले लेता हूँ, अंग्रेजी लेता हूँ, यानी कि 100 मार्क का हिंदी, 100 मार्क का अंग्रेजी, 200 हो गया मेरा। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप बी में आएंगे, यहाँ पर हम कम से कम 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं, यहाँ कह रहा है मैक्सिमम 3, ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम हमें 3 लेना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4। इसमें हम कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले सकते थे, और इसमें कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 ले सकते। तो इसमें मैंने यहाँ पे 2 ले लिया हूँ, और तो यहाँ पे 3 लेंगे तो 500 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइंस को फिजिक्स ले लेते हैं, केमिस्ट्री ले लेते हैं, और बायोलॉजी यहाँ से हम इसको ले लेंगे, बायोलॉजी तो यहाँ पे हम खोज लेते हैं, फ़िलहाल बायोलॉजी इसमें नहीं है, और
तो यहाँ पे हमें तीन सब्जेक्ट लेना है कम से कम, तो हम इसके साथ बायोलॉजी के साथ ले लेते हैं। बायोलॉजी नहीं है तो उसके बदले हम यहाँ पे मैथमेटिक्स ले लेते हैं, यानी कि तीन सब्जेक्ट दो पाँच सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम चाहे तो हिंदी को अनटिक करके उर्दू भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें तो बायोलॉजी नहीं होगा। उसके बाद एडिशनल में आएंगे, एडिशनल में इसमें कम से कम आप जीरो इसमें कुछ नहीं भी ले सकते हैं। अगर लेना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो आप एक्स्ट्रा में भी बायोलॉजी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा में आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि 500 का मेरा तो ऊपर ही हो गया। एक्स्ट्रा में लेना चाहे तो ले सकते, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा में आप उर्दू को यूज कर सकते हैं, दिया गया ऑप्शन, ठीक है। अगर संस्कृत को करना चाहे संस्कृत को भी आप एक्स्ट्रा में रख सकते हैं। और साथ साथ अगर इसमें से भी लेना चाहे तो कुछ आप यहाँ से ले सकते। तो मैं कंप्यूटर साइंस ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा हो गया पाँच, यहाँ पे हो गया और दो हो गया एडिशनल, यानी कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, यानी कि 700 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर ये दोनों आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ये दोनों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अतिरिक्त है, एडिशनल सब्जेक्ट है, तो ऊपर में ही आपको 500 कम से कम लेना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे 7 कंटिन्यू। यहाँ पे जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपका होगा कि साइंस या आर्ट, तो साइंस वाले सब्जेक्ट सेलेक्ट साइंस होगा, आर्ट वाले करेंगे तो आर्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका ज़िला होगा। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना, जो भी आपका ब्लॉक होगा, ठीक है। अब देखिए इस बोर्ड के अंदर हमारे ज़िले में जितने भी विद्यालय चल रहे हैं, यानी जैसे बिहार बोर्ड है तो उसके अंदर ही बहुत सारे विद्यालय चलते हैं, तो हमारे ज़िला में इस ज़िला के इस प्रखंड के अंतर्गत जितने भी बीबोस, यानी कि बिहार स्कूल ओपन, बिहार बोर्ड ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन बोर्ड से जितने भी मान्यता प्राप्त स्कूल है वो सारे यहाँ पे आपको देख सकते हैं। जैसे कि ये स्कूल है, जिससे भी आप करना चाहे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्कूल सभी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा है और जो कि इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त, ठीक है। तो ये सभी स्कूल आपका जिला जो भी होगा अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। आपके जिला में बीबोस से जो भी मान्यता प्राप्त स्कूल होंगे वो सारे आ जाएंगे। ये सारे गवर्नमेंट स्कूल है जो कि बीबोस से मान्यता प्राप्त हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी रास बिहारी को ही सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको लगने वाला है, मिलने वाला है, मतलब कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल, यानी कि खुद से घर पे पढ़ सकते हैं। अगर चाहे तो आप बोर्ड ऑफिस से ले सकते हैं पटना से, अगर चाहे तो DEO ऑफिस से आप ले सकते हैं, नहीं तो आप स्टडी सेंटर से ले सकते हैं, या अगर आपको बाय पोस्ट चाहिए नॉर्मल, तो आप 100 रुपये पेमेंट करके आप बाय पोस्ट अपने घर पे ले सकते हैं। बाय पोस्ट लेंगे नॉर्मल तो आपको आने में 7 दिन का समय लग सकता है। अगर आप स्पीड पोस्ट से लेंगे जिसमें 300 रुपये आपको चार्ज कटेगा, जो कि 3 से 4 दिन में आपको पहुँचा देगा। तो उसके बाद पूछा कौन से एड्रेस पे आप लेना चाहेंगे, आधार कार्ड के एड्रेस पे या परमानेंट एड्रेस, जो भी एड्रेस पे आप लेना चाहें वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका 1705 हो गया। और उसके बाद मटेरियल, उसके बाद पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम 350, एडिशनल सब्जेक्ट मैंने दो ऐड किए थे तो उसका भी यहाँ पे 320 लग रहा है, यानी कि 160 पर सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल का 150 लग रहा है, आईडी कार्ड का 10, एग्रेशन का 25, इसी तरह आपको टोटल, जैसे कि बुक डिलीवरी चार्ज 300, टोटल हमको लगेगा अभी 3010 रुपये टोटल एग्ज़ाम तक का ये चार्ज हो गया। इसके बाद हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट के हिसाब से भी यहाँ पे आपका चार्ज बढ़ता है। अगर आप एडिशनल में कुछ नहीं रखिएगा तो यहाँ पर आपको 0 रहेगा, तो वो रुपया आपको यहाँ पर कम हो जाएगा। तो उसके बाद 7 कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करना होगा, जिसके लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। आपकी जो फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और उसका पिक्सल यहाँ पे 200x230 पिक्सल होना चाहिए। इसके लिए मैं यूज करता हूँ RIOT सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप अपनी फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं और एक अच्छा सा साइज़ दे सकते हैं बिना उसकी क्वालिटी को डाउन किए। फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ फ़ोटो आ चुका है, यहाँ पे इसकी ऑरिजिनल साइज़, और यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक कम कर दिया। जितना साइज़ चाहिए आप कंप्रेस टू साइज़ पे क्लिक करेंगे, जितना साइज़ चाहिए उतना साइज़ डालेंगे, ओके करेंगे, ये यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। अब पिक्सल कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आइकन, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्सल, जितने पिक्सल चाहिए आप यहाँ से यहाँ डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 200x230 मांगा गया है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 200 और हाइट में डालेंगे 230, उसके बाद करेंगे ओके।
अब ये फ़ोटो रिसाइज हो चुका है, सेव करेंगे उसका तो आपको फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। फ़ोटो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। उसी तरह आपको अपना सिग्नेचर अप सेलेक्ट करना होगा, अपलोड करना होगा, अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर सकते हैं, तो खाली छोड़ सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मांगा गया क्योंकि मैंने रिजर्वेशन कैटेगरी से अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए। अगर आपके पास SC ST EBC है तो उसका सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा जाएगा। अगर डिसेबिलिटी में यस डालते तो उसका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। जो जो नहीं मांगा जा रहा, जो आपको नहीं लगेगा वो आप देख सकते हैं, वो ऑप्शन पे क्लिक ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 10th का मार्कशीट देना होगा, 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करने नहीं बोलेगा क्योंकि आप 12th के ही लिए भर रहे हैं, इसलिए 12th का मार्कशीट आपके पास नहीं है। तो उसके बाद 10th का SLC देना होगा। तो आपको यहाँ पे देना है क्या सब वो देख लीजिए, सिर्फ फ़ोटो देना होगा, सिग्नेचर देना होगा, सिग्नेचर आधार कार्ड देना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसे खाली छोड़ सकते हैं, चाहे इसके बदले में आप आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको देना होगा 10th का मार्कशीट, 10th का SLC, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अपलोड करना होगा, उसके बाद 7 कंटिन्यू करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद 7 कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएंगे, जो भी डिटेल आपने पीछे फिलअप किए थे वो सारे डिटेल यहाँ पर शो कर देंगे, और कितने कौन से सब्जेक्ट आपने भरा वो सारे दिखा देगा, और कितना टोटल चार्ज लगेगा वो दिखाएगा। यहाँ पे इसको टिक मार्का लगाएंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करने बोलेगा, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको वेट करना, इसी वेबसाइट पर आना है फिर से और देखते रहना कि इसका एडमिट कार्ड कब जारी होता है। उस एडमिट कार्ड को और जो भी डेट मिलेगा उस डेट में जाकर आपको एग्ज़ाम देना होगा, जो कि आपके लोकल STD सेंटर पे एग्ज़ाम होता है। इस फॉर्म को फिलअप करने में अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अदर कोई जानकारी चाहिए फिर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।